पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान सीरीज के स्केड्यूल और स्क्वाड का ऐलान। देखिए स्केड्यूल कुछ इस तरह है कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी प्लेयर्स 19 मार्च को पीएसएल का फाइनल खेलने के बाद 23 मार्च को रवाना हो जाएंगे शारजा, जहां पहला मैच 25 मार्च को, दूसरा मैच 27 मार्च को और तीसरा 28 मार्च को खेला जाएगा, इनफैक्ट 29 मार्च को। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग ये सीरीज़ देखने के लिए क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी जज्बाती हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद हारिस यंग प्लेयर हैं, इसके अलावा बड़ी अच्छी फॉर्म में फ़खर जमान आउटस्टैंडिंग, मोहम्मद रिजवान हमेशा की तरह फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, अब्दुल्ला शफीक को देखिए बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है फ्यूचर के लिए, बाबर आजम बड़ा पसंद करते हैं, बाबर आजम खुद काफ़ी बेहतर फॉर्म में भी, इफ्तिखार को खिलाने का फैसला बाबर आजम का पर्सनल है और टीम मैनेजमेंट शामिल करना चाहती है शान मसूद को और साथ साथ मोहम्मद नवाज एटलीस्ट स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे प्लेइंग 11 में, इमाद वसीम भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि इमाद वसीम ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और साथ साथ शद्दाब की कोई पर्सनल परफॉर्मेंस तो नहीं है फिलहाल, पर यह है कि कहीं ना कहीं इसको शामिल करना चाहते हैं। आज़म खान शामिल किए जा रहे हैं और वहीं एहसानुल्लाह भी। देखिए हारिस रऊफ के साथ कंपटीशन चल रहा है एहसानुल्लाह का क्योंकि दोनों की पेस है, शाहीन शाफीदी तो पाकिस्तान के वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर हैं और साथ ही नसीम शाह भी। देखिए लेग स्पिनर्स में शदाब की रिप्लेसमेंट में फिर कहीं ना कहीं उसामा मीर होंगे बेस्ट ऑप्शन है।